जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू SSB वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में इंटरव्यू की सीरीज़ के बारे में बताया था, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे क्या ट्रिक अपनाते हैं इंटरव्यू को अच्छा करने में, तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कुछ आपके ही बारे में कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो एक स्टूडेंट इंटरव्यू में करता है। सो बेसिकली दोस्तों, ऐसा मैंने कहा है और ऐसा पहले सुना भी गया होगा आपसे आपको कि वाइस पर्सन इज़ द हु अंडरस्टैंड्स व्हाट मिस्टेक ही हैज़ कमिटेड इन हिज लाइफ। सो बेसिकली आप बुद्धिमान तब कहलाते हो जब आप ये समझते हो कि आपसे कोई गलती हुई है। तो गलती को स्वीकारना या गलती को मानना ही सिर्फ अंत नहीं होता है, उसके आगे अपनी गलती को सुधारना भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सो डेफिनेटली आज मैं आपको कुछ ऐसा ही इंटरव्यू के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स कमिट इन इंटरव्यू। सो एज आई हैव रिटन हियर, मिस्टेक्स कैंडिडेट कमिट इन इंटरव्यू। मिस्टेक्स से आप क्या समझते हो? मिस्टेक्स दो तरह की होती हैं फ्रेंड्स, एक वॉलंटरली, एक नॉन वॉलंटरली और इनवॉलंटरली। सो बेसिकली वॉलंटरली मतलब क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी गलती जानबूझ के करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम गलती वॉलंटरली करने का मतलब ये समझते हैं कि हम उस गलती को प्रिडिक्ट कर सकते थे, हम उस गलती को अवॉइड कर सकते थे, कहीं ना कहीं हम उस गलती को दोहरा नहीं सकते थे, बट फिर भी हमने मिस्टेक कर दी। सो इस तरह की गलतियों की ही बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ। नॉन वॉलेंटरली मिस्टेक्स और इनवॉलेंटरली मिस्टेक्स क्या होती हैं? जो आप जाने अनजाने कर देते हो। जाने अनजाने मिस्टेक्स में क्या आता है? जैसे कि वो गलतियाँ जिन्हें आप सोचते नहीं हो कि आप कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई गलती जो आपके बॉडी बिहेवियर की वजह से आ जाए, जैसे कि थोड़ा सा फंबल कर जाना या थोड़ा सा स्टैमर कर जाना। तो ये सारी मिस्टेक्स जो होती हैं हमें एक्नॉलेज करनी है, हमें इन मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज़ करना है और इसके बाद हमें इन्हें अवॉइड करना है। अवॉइड करने के साथ साथ हमें इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। तो बेसिकली मैं आपको इन मिस्टेक्स के बारे में इसलिए भी बताना चाहती हूँ ताकि आप अपने इंटरव्यू SSB इंटरव्यू में ये मिस्टेक्स दोबारा ना करें। तो चलिए जानते हैं क्या मिस्टेक्स होती हैं जो एक कैंडिडेट करता है। ब्लेमिंग योर टीचर्स फॉर लो स्कोर। सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, देयर आर अ लॉट ऑफ ब्लेमर्स इन द वर्ल्ड, बट वेरी फ्यू हु टेक responsibility, who takes blame on themselves. So basically why I am saying that blaming on your teachers is for low score is not acceptable, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ऑफिसर कभी भी अपनी गलतियों के लिए अपने टीम को या अपने हायर ऑफिसर को या अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्लेम नहीं करता। सो बेसिकली आर्म फोर्सेज में ब्लेमिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। ऑल्सो आपकी 15 OLQs में रिस्पॉन्सिबल पर्सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ योर OLQs, जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। तो अगर आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, अगर आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो डेफिनेटली आप अपने हार के साथ साथ अपनी जीत का भी खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि किसी भी स्पोर्ट्स में जिसमें एक कैप्टन होता है, कैप्टन टीम को लीड करता है, सो बेसिकली उसमें लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर वो कैप्टन रहा है, अगर उसने लीड किया है और अगर टीम हार जाती है, तो डेफिनेटली कैप्टन वुड बी ब्लेम्ड फॉर इट और विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट अगर टीम जीत जाती है तो टीम के जीतने का क्रेडिट भी कैप्टन को जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कैप्टन की ही ट्रिक्स थी, कैप्टन की ही स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से टीम इतनी आगे आई और गेम जीता। सो बेसिकली दोस्तों, ब्लेमिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वन वे अनदर। आपको ब्लेमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डिफरेंस समझना होगा। आप ब्लेम तब करते हो जब आपको पता होता है आपने गलत किया है, बट स्टिल यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बींग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये होता है कि आपने कोई गलती कर दी, आपको उस गलती के बारे में पता चला, आपने उस गलती को माना और आपने ये कहा कि आप उस गलती को दोबारा नहीं करोगे। तो हमें ब्लेमर नहीं, हमें क्या बनना है? रिस्पॉन्सिबल। अब जैसा कि मैंने कहा है, ब्लेमिंग योर टीचर फॉर लो स्कोर। सो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम अपनी गलतियां देखना बंद कर देते हैं। हम ये सोचते हैं
कि अगर हमने कुछ भी अचीव नहीं किया या अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए किसी अटेम्प्ट में, तो बेसिकली हमारे टीचर की वजह से, विच इज़ नॉट द करेक्ट थिंग. आपको पता है जैसे SSB एक पर्सनैलिटी इंटरव्यू है, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं और बहुत ही टफ इंटरव्यू होता है. तो आप अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाते हो, ना कि आपका टीचर. बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में, कर्व देने में, एज देने में हाथ आपके टीचर का होता है. आपको गाइड करने का हक जो होता है वो टीचर का होता है, बट वहाँ पे जो चीज़ें करनी है वो आपको करनी है. तो इसलिए अगर कुछ भी आपसे गलती होती है, दैट मीन्स आपको अपने टीचर को ब्लेम नहीं करना चाहिए. इसके बजाय आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि आपने क्या गलती की. आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, आप अपने अंदर खुद इस चीज़ को महसूस करो कि गलती आपसे हुई है. इससे दो फायदे होते हैं फ्रेंड्स. पहला फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरों को गलत जिम्मेदार ठहराना बंद कर देते हो. दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप जब जानते हो कि आपको ही सुधार करना है और आपकी ही गलती है, तो आपका सुधार तेज़ हो जाता है. तो बेसिकली मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप ऐसी गलती कमिट ना करो. लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, विच इज़ ब्लेमिंग इल हेल्थ. सो बेसिकली दोस्तों, मैं आप सभी को ये एक संदेश देना चाहूँगी या एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके पास दो हाथ, दो पैर, दो आँखें, साउंड माइंड, प्रूडेंट माइंड, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बहुत लकी हो उन लोगों से जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं. आर्मी में या आर्म फोर्सेस में एक बहुत छोटा सा रूल होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना ही कंप्लेन कर सकते हो, ना ही उन चीज़ों के लिए रो सकते हो, बिकॉज़ आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस अपकमिंग होते हैं आपकी लाइफ में. वॉर लड़नी होती है या वॉर नहीं, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं. तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी इल हेल्थ के लिए दूसरों को ब्लेम करो या अपने अंडर परफॉर्मेंस को इल हेल्थ की वजह से कारण दे दो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. बिकॉज आपको बनना है फौजी, और फौजी आप शरीर से ज़्यादा मन से बनते हो. आपने तो सुना ही होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है. आपने बैजेंद्री पाल का भी एग्जांपल सुना होगा, जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की क्लाइंबिंग की थी. इतने डिसेबल्ड होने के बाद भी शी क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट. तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को एक मोटिवेशन की तरह से लेते हो, एक इंस्पिरेशन की तरह से लेते हो. स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट स्मॉल लिटिल थिंग्स कि आपकी हेल्थ ख़राब है, आज आपका सर दर्द दे रहा है. पुश योर सेल्फ सो दैट योर बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू एवरीथिंग. सो बेसिकली दोस्तों, मैंने जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हेल्थ के बारे में, आई एम नॉट सेइंग दैट आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी कभी तबीयत ख़राब नहीं होगी, बट उस तबीयत का असर आपके काम पे नहीं पड़ना चाहिए. यही हमें सीखना है, यही चीज़ें हमें डेवलप करनी है, और इसीलिए मैंने कहा है दीज आर द मिस्टेक्स कैंडिडेट कमिट इन इंटरव्यू. सो बेसिकली क्या होता है, अब आप सोच रहे होगा कि इसका इंटरव्यू से क्या रिलेशन है. बेसिकली इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हो. उनमें से एक आंसर ये भी होता है कि आप कोई चीज़ अंडर परफॉर्म करे या फिर आप अचीव नहीं कर पाए क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी. सो दोस्तों, स्टॉप गिविंग दिस एक्सक्यूजेबल बिहेवियर. ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है. आपकी तबीयत ख़राब थी, बट आपकी तबीयत आपके काम से बहुत अलग होती है. आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको वैसी लाइफस्टाइल, वैसा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में मेंटेन करना होगा. और अगर आप इन चीज़ों को करने में फेल हो गए, तो डेफिनेटली आप एक कॉमन इंसान से या कॉमन हेल्दी इंसान से आप ज़्यादा इल हो गए. तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप हेल्दी रहें, जिससे आपके किसी काम पर कुछ असर ना पड़े. और किसी वजह से अगर आपकी हेल्थ का असर आपके काम पर पड़ा है, तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हेल्थ या ख़राब हेल्थ पे नहीं डालेंगे, बल्कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे कि कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंट थे, कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट किया, एंड दैट इज़ कमिंग टू यू बैक. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ स्टेटिंग हॉबीज जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट. सो बेसिकली दोस्तों, आपको अपने इंटरव्यू में हॉबीज़ और इंटरेस्ट का एक कॉलम मिलता है, जिसमें आप अपनी कई सारी हॉबीज़ लिख सकते हो. कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ लिखने के लिए या अपने PIQ को सुंदर बनाने के लिए वहाँ पे कई सारी ऐसी हॉबीज़ लिख देते हैं जिसके बारे में ना उन्हें पता होता है, ना उन्होंने अपनी लाइफ में कभी की होती हैं.
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी क्रिकेट नहीं खेला है और आपने अपनी हॉबीज़ या इंटरेस्ट में क्रिकेट लिख दिया है और आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो जायज़ सी बात है आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और फिर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके पर्सनालिटी का, बहुत गंदा, बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इससे इंटरव्यूअर को ये समझ में आता है कि आप एक जेन्युइन पर्सनालिटी नहीं हो, आप अपने बारे में फेक कर रहे हो, आप अपने रियल पर्सनालिटी को इंटरव्यूअर को नहीं दिखाना चाह रहे हो, और ऐसी पर्सनालिटीज़ आर रियली नॉट डिज़ायरेबल इन आर्म फोर्सेज। सो बेसिकली मेरा उद्देश्य आज के वीडियो को लाने का ये भी था कि आप सब लोगों को ये तो पता है कि करना क्या है, पर ये जानना क्या नहीं करना है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि आप कभी कोई और गलती ना कर सको। जैसा कि मैंने आपको हॉबीज़ के बारे में कहा, दोस्तों अच्छी बात है अगर आपके पास हॉबीज़ हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप इन हॉबीज़ को सच में परस्यू करते हो, काफ़ी इसमें टाइम बिताते हो। लेकिन अगर आपके पास हॉबीज़ कम हैं या एक दो ही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस फ़र्क इतना पड़ना चाहिए कि आपको अगर आपके हॉबीज़ के बारे में ए से जेड तक कुछ भी पूछा जाए, आप उसे बताने में सक्षम रहो। या फिर आप एक और चीज़ ये भी कर सकते हो कि आप अपनी हॉबीज़ इम्प्रूव कर सकते हो या इनक्रीज़ कर सकते हो। सो बेसिकली कई बार ऐसा होता है, वी आर ऑलवेज अ लर्नर इन आर लाइफ, हमें कभी भी कुछ भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ में, मुझे ये नहीं आता कि हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, या मुझे कुछ भी बजाना या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना नहीं आता है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट आउट ऑफ टाइम नाउ। ऐसा नहीं है कि आपका, आपकी सीखने की क्षमता घट गई है या आपके सीखने का समय रुक गया है। आपको शुरुआत कर देनी चाहिए कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, क्योंकि यू आर ऑलवेज अ लर्नर इन योर लाइफ, एंड अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज अ लर्नर इज़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ वाइड एक्सपीरियंस विथ हिम। तो अगर आप में सीखने की ललक होगी, अगर आप में सीखने का रुझान होगा, तो डेफिनेटली आप बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर होगे। इसलिए मैंने कहा है कि आप अपने PIQ में हॉबी सिर्फ इसलिए मत लिखिए कि आपको अपना PIQ भरना है, या फिर इंटरव्यूअर ये ना सोच ले कि इसके पास हॉबीज़ कम है। आप अपनी उन्हीं हॉबीज़ को लिखिए जिसमें आप जेन्युइन हो, जो आपने सच में परस्यू की है। सो ये थी मेरी 3 कॉमन मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू में कमिट करते हैं। दोस्तों आपको पता है SSB इंटरव्यू इज़ द टफेस्ट इंटरव्यू, इट इज़ नॉट लाइक सम एनी अदर इंटरव्यू जो आपके IAS IPS वगैरह एग्ज़ाम्स में होते हैं। ये बहुत ही अलग इंटरव्यू है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी का 360 इवैल्यूएशन होता है। 360 इवैल्यूएशन मतलब कंप्लीट इवैल्यूएशन। मैंने जैसा आपको अपने पहले वीडियोज में बताया है, मनसा वाचा कर्मणा, सो इन चीज़ों से आपको वो जज करते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है टफेस्ट इंटरव्यू, क्योंकि इसमें बाकी इंटरव्यू से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग हैं, जो बहुत एडवांस्ड हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छी बात है अगर आपने अपना लक्ष्य कठिन चुना है, बट उससे भी अच्छा ये होगा अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही ईमानदार रहें, उतने ही सजग रहें, और उतने ही काम करने के लिए तत्पर रहें। सो ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ प्रेस लाइक आइकन इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। Please like, subscribe and follow. Jai Hind.